नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो डिफरेंट एस्पेक्ट में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इस लेक्चर सीरीज से जो है कम से कम एटलीस्ट जो है 3 to 4 क्वेश्चन आपके आने पक्का है। इस वजह से भी ये जो लेक्चर सीरीज है ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। कुछ ना कुछ तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर ही आना है, जो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम है उस पे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है इसमें कि हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट क्रॉप डोमेस्टिकेशन, मतलब कि हमने जो भी फसल का एडेप्टेशन किया है, मतलब वाइल्ड फॉर्म से उसको कल्टिवेटेड फॉर्म में जो हम लेकर के आए हैं, जिसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं किसी चीज का, वो कब कब किया गया है। ठीक है, जो सबसे पहला क्रॉप डोमेस्टिकेशन हुआ है वो हुआ है 7500 BC में, और उसमें गेहूं और बार्ले, जौ जिसको हम कहते हैं, इन दो फसलों का सबसे पहले हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हुआ है मेज यानी मक्का, वो हुआ है 4400 BC में। उसके बाद तीसरे नंबर पर हुआ है पोटैटो का यानी आलू, 3500 BC में। फिर चिकपी, मस्टर्ड और कॉटन का हुआ है 2300 BC में। फिर पोटैटो ग्राउंडनट का हुआ है 16वीं शताब्दी में। ठीक है, ये अंग्रेजों द्वारा किया गया। फिर उसके बाद में फिर हम बात करते हैं राइस की। राइस जो है वो हुआ था 2200 BC में, 2200 BC में। फिर है फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट का हुआ 1800 BC में। फिर सोरगम का हुआ 1725 BC में। फिर शुगर केन का हुआ 1500 BC में। टोबैको और फिर कॉटन, अमेरिकन कॉटन, ये जो हुए हैं ये अंग्रेजों द्वारा किए गए थे 16वीं शताब्दी में। अगले वीडियो को स्लाइड की ओर चलते हैं। इसमें जो है डिफरेंट सॉइल टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। जो हमारा एनपीके है और ऑर्गेनिक मैटर है, कब हम उसको कहेंगे कि सॉइल में ये ज्यादा है, ये कम है, या फिर ये बहुत अधिक है या मध्यम है, ये हम कब कहते हैं मिट्टी में। तो इसके लिए एक सॉइल टेस्टिंग चार्ट बनाया गया है, और हम इस सॉइल टेस्टिंग चार्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं कि वेदर द पर्टिकुलर अवेलेबल न्यूट्रिएंट, कोई भी है वो, चाहे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है या ऑर्गेनिक मैटर है, वो लो है, मीडियम है या हाई है। ये दो तीनों रेटिंग जो है टेस्टिंग की वो दी गई है केजी पर हेक्टेयर में। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन का कंटेंट 280 से 560 के बीच में है तो वो मध्यम है, उससे नीचे होगा तो लो होगा, और उससे ऊपर होगा तो हाई होगा। ऐसे फास्फोरस जो है वो 10 से 25 है, अगर इससे नीचे होगा तो लो होगा और 25 से ऊपर होगा तो हाई होगा। पोटेशियम जो है वो 110 से 280 तक है, ठीक है, और 110 से नीचे होगा तो लो होगा और 280 से ऊपर होगा तो हाई होगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो 0.5 to 0.75 है इसकी रेटिंग, और अगर 0.5 से नीचे है ऑर्गेनिक मैटर तो हम कहेंगे कि ये सॉइल जो है वो लो है। ज्यादातर जो सॉइल है वो सारी लो कैटेगरी में ही आती है, और अगर 0.75 से ऊपर होगा तो वो हाई होगा। अगला जो स्लाइड है वो है कन्वर्जन फैक्टर का। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आना ही है। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर है कि अगर हमारे पास में NO3 है और नाइट्रोजन है तो हम कैसे जो है नाइट्रेट को जो है नाइट्रोजन, अगर आपके पास में नाइट्रोजन है N है तो उसको कैसे आप नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नाइट्रोजन को 4.54 से, और ऐसे ही आपके पास में अगर NO3 है और उसको N में आपको कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको
0.22 से। फास्फोरस और पोटेशियम बहुत दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपके पास पी है, आपको पी निकालना है और P2O5 है आपके पास में, तो उसको अगर 0.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पी मिल जाएगा। सिमिलरली आपको अगर P2O5 निकालना है और पी वैल्यू है आपके पास में, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.29 से। बिल्कुल कोई इसमें लॉजिक नहीं है, आपको सीधा याद कर लेना है। ऐसे इसको ड्राइव भी कर सकते हैं पर उतना टाइम नहीं है, याद करना बेटर ऑप्शन है। आपको अगर के वैल्यू निकालनी है और के टू ओ है आपके पास में, तो 0.83 से मल्टीप्लाई करेंगे। के टू ओ निकालना है और के वैल्यू है तो 1.2 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली कैल्शियम है, अगर आपके पास में सी ए ओ की वैल्यू है तो आप उसको कैल्शियम ऑक्साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.71 से, तो आपको कैल्शियम मिल जाएगा। और अगर कैल्शियम ऑक्साइड निकालना है और कैल्शियम है आपके पास में, तो 1.40 से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर आपके पास में है तो मैग्नीशियम निकालना है, तो मैग्नीशियम इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.61 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको निकालना है और मैग्नीशियम की वैल्यू है आपके पास में, तो आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.63 से। इसमें बहुत कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, आपको बस सीधा याद कर लेना है। अगली स्लाइड है जिसमें हम इंपॉर्टेंट कुछ क्रॉप है जिनके टेस्ट वेट आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे राइस है, वो 22 से 25 तक होता है इसका टेस्ट वेट राइस का, ठीक है। बासमती राइस का 21 है, याद ही कर लेना है, कुछ इसमें लॉजिक मत लगाना, ठीक है। 21 याद ही करना है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सीधा बासमती का पूछा जाएगा, तो 21 पे टिक लगा देना है। वीट का 40 है, 42 भी होगा ऑप्शन में तो भी चलेगा, ठीक है। सोरघम 25 से 30 ग्राम, मेज का सीड इंडेक्स है। सीड इंडेक्स क्या होता है कि अगर हम 100 सीड का वेट लेते हैं, जो भारी सीड होते हैं तो उनका सीड इंडेक्स होता है, तो उसको बोलते हैं हम सीड इंडेक्स। और अगर हम 1000 का ले लेते हैं उसमें वेट, तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट वेट, ठीक है। काबुली चने का भी सीड इंडेक्स है, इसका जो मेज का सीड इंडेक्स है 23 और काबुली का है 340 से 375। लेंटिल का टेस्ट वेट है 20 से 25, सिसेम का 3 ग्राम, इंपॉर्टेंट है अगेन सिसेम 3 ग्राम। बाजरा का है 5 से 7 ग्राम, मूंग बीन का है 34 से 36 ग्राम, सनफ्लावर का है 60 to 62, फालेरिस माइनर का है 2 ग्राम, फालेरिस माइनर का अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चिकपी का है सीड इंडेक्स 120 से 200 ग्राम, ब्लैक ग्राम का है 4, ये सीड इंडेक्स है ब्लैक ग्राम का भी, ब्लैक ग्राम का सीड इंडेक्स है 4 ग्राम, सनफ्लावर का है 5 to 8 ग्राम। अगेन इंडिकेटर प्लांट यूज्ड इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिटेक्शन, हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं। इंडिकेटर प्लांट्स वो होते हैं जो किसी भी न्यूट्रिएंट के लिए जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं कंपेयर टू क्रॉप प्लांट, ठीक है। तो इन जो इंडिकेटर प्लांट होते हैं इनको हम क्या करते हैं, बॉर्डर पे लगा सकते हैं या फिर बीच बीच में लगा सकते हैं, देखने के लिए कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होनी होगी तो जो मेन क्रॉप है उससे पहले ही इनमें उसकी डिफिशियंसी होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए नाइट्रोजन के लिए इंडिकेटर प्लांट है मेज, फास्फोरस के लिए मेज, रैपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। पोटेशियम के लिए पोटैटो, टोबैको, हाई डिमांडिंग है दोनों के दोनों, पोटैटो और टोबैको। कैल्शियम के लिए ग्राउंडनट, रैपसीड, जितने भी इंडिकेटर प्लांट है ये इस न्यूट्रिएंट की इनको ज्यादा जरूरत होती है जिसके ये इंडिकेटर प्लांट है, ठीक है। जिंक के लिए मेज, कॉपर के लिए वीट और आयरन के लिए सोरगम, सोडियम के लिए शुगर बीट, ठीक है। सोडियम के अगर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है तो वो सबसे पहले शुगर बीट में आ जाएगी। मैगनीज के लिए ओट या सोयाबीन और सल्फर के लिए रैपसीड और मस्टर्ड, ठीक है। इसको याद ही करना है, कुछ ऐसा इतना है नहीं। सम इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड देयर प्रोटीन नेम, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे वीट, वीट में कौन सा प्रोटीन होता है, ग्लूटेन,
ग्लूटिन कंटेंट होता है उसमें, है ना। सोरगम में कैफेडिन, सोरगम में कैफेडिन, पल्सेस में प्रोलामिन, पल्सेस में कौन सा होता है, प्रोलामिन, राइस में ओराइजिन, राइस में ओराइजिन, बार्ले में हॉर्डिन, बार्ले में कौन सा है, हॉर्डिन, मेज में जेन, है ना, मेज में कौन सा प्रोटीन होता है, जेन प्रोटीन। नेक्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी डिसऑर्डर, है ना, कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से कुछ इंपॉर्टेंट बताइए। ऐसी तो बहुत सारी है, कम से कम 40-50 है ऐसी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिए हैं जो ज्यादातर पूछी जाती है। सैंड्रोन डिजीज ऑफ टैबैको, ये किसकी कमी से होती है, मैग्नीशियम की। हाँ, फाला ब्लाइट ऑफ सुगर केन किसकी वजह से होता है, मैग्नीज की वजह से, है ना, ग्रे स्पाइक ऑफ ऑट मैग्नीज की वजह से, मार्स स्पॉट ऑफ पी ये भी MN की वजह से, है ना, क्रिंकल लीफ इन कॉटन ये है MN टॉक्सिसिटी से, टॉप सिकनेस ऑफ टबैको ये है बोरोन की कमी से, पोलन स्टेरिलिटी इन व्हीट ये किससे है, बोरोन की कमी से, ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो, ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इंपॉर्टेंट है, कि ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो किससे होता है, ऑक्सीजन की कमी से, ठीक है, एरेशन प्रॉपर नहीं होता उसकी वजह से होता है, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज जिंक की कमी से, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, ठीक है, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन ये भी जिंक की वजह से, फर्न लीफ ऑफ और लिटिल लीफ ऑफ पोटैटो ये भी जिंक की कमी से, ये लास्ट के तीन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन कौन से, व्हाइट बर्ड ऑफ मेज, लिटिल लीफ ऑफ कॉटन, फर्न लीफ और लिटिल लीफ ऑफ पोटैटो, अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्रॉप, जो अगला है इसमें क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट की बात की गई है ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्रॉप। आप ये समझिए इसमें वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्रॉप में जो जिस रीजन की क्रॉप है, ठीक है, उसको उतने ही ज्यादा पानी की जरूरत है। अगर हम बात कर रहे हैं मिलेट्स की, तो उनको पानी की कमी, पानी की जो जरूरत होगी वो 40-50-60 तक, इतना जो है सेंटीमीटर बहुत है उनके लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं है राइस, सुगर केन, ठीक है, तो इनमें थोड़ा सा ज्यादा होगी, और बाकी जो होंगी वो मध्यम, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। दो क्रॉप हमने बताई, जैसे कौन कौन सी, सुगर केन और राइस, ये 120 से ऊपर होगी इनमें इनकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। लेकिन जो और क्रॉप है, जो और क्रॉप है, अगर हम ड्राई लैंड की क्रॉप पे आ जाएंगे तो फिर 40-50-60 पे, 40-50-60 पे, 40-50 भी बहुत है, ठीक है, 40-50 पे, इतने पे इनकी कमी पूरी हो जाएगी। जो बाकी है ये आप लगभग लगभग इनकी 50 से 80, 50 से 80 के बीच में इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये तो मोटा मोटा मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा एक्यूरेट भी देख लेते हैं, जैसे राइस है मैंने बताया इसकी 120 से 150 सेंटीमीटर, वीट की 50 सेंटीमीटर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इधर 10-10 इधर बढ़ा दोगे तो इतनी इसकी वाटर रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मेज अगेन बराबर ही है इन दोनों की, ठीक है, इसकी भी कितनी है, 50 से 80। शुगर केन की बहुत ज्यादा है, 150 से 250 सेंटीमीटर, सोयाबीन 45 से 70, जितनी भी पल्सेस हैं 60 लगाओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर, 50-60 सेंटीमीटर, सभी जितनी भी पल्सेस हैं। अच्छा, सोयाबीन हो गई 45 से 70, पोटैटो 50 से 70 सेंटीमीटर, परलिमिनेट 50 से 60 लिखा है, 40 भी होगा ऑप्शन में तो भी चल जाएगा, सुगर बीट 50 से 55 से 75, है ना, फिर है ग्राउंड नट 50 से 70, कॉटन 70 से 120, थोड़ा ज्यादा है कॉटन में, फिर है सोरघम 40 से 60, टोबैको 40 से 60, पी 35 से 50, और फिंगर मिलेट अगेन 30 से 40। तो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो जिस रीजन की क्रॉप है उसी हिसाब से आप ये तय करेंगे। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है और जो दूसरी कैसी वाटर रिक्वायरिंग क्रॉप है, उनमें थोड़ा सा ज्यादा होगा 120 से ऊपर, ठीक है, बाकी जो हार्डी नेचर की क्रॉप्स हैं तो उनमें थोड़ा सा, उनमें 30-40 के अराउंड आ जाइए आप सीधा, ठीक है, आधे पे आ जाइए सीधा 30-40 सेंटीमीटर पे, और बाकी जितने भी हैं वो 50-60-70, 50-60-70 पे बाकी जितने भी हैं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए इंफॉर्मेटिव, कुछ भी नॉलेज के साथ में,
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।